Hey, what's up guys? This is your cinema geek Saqib and welcome back to the Flick Circle. Recently, filmmaking में cinematic universe एक trend बन गया है. A series of movies जो कि आपस में interconnected हों और एक ही world में set up. ये trend शुरू हुआ था Marvel से जब MCU यानी कि Marvel Cinematic Universe एक sensation बन गया. लेकिन ये trend सिर्फ Hollywood तक सीमित नहीं रहा. दुनिया में बहुत सी industries ने इस concept को अपनाया. तो ऑब्वियसली सिनेमैटिक यूनिवर्स इज अ गुड कॉन्सेप्ट क्योंकि मेकर्स को बार बार अपने वर्ल्ड को सेटअप नहीं करना पड़ता है. बस एक सेटअप को एस्टैब्लिश कर दो और फिर अपने कैरेक्टर्स को एक एक करके उस सेटअप में लाते रहो. और साथ ही साथ ये मेहनत भी बचती है फिल्म मेकर्स की कि आखिर ऑडियंस को नेक्स्ट फिल्म के लिए हाइप अप कैसे करें. सिंपल, एक पोस्ट क्रेडिट सीन डाल दो एंड में. और अगर किसी मूवीज में बाई चांस कोई फ्लॉ निकलता भी है तो वो इस इंटरकनेक्टिविटी की वजह से इग्नोर कर सकते हैं. तो अगर फिल्म मेकिंग के नजर से इस चीज को देखी जाए तो दिस इज काम चोरी. बट इट works if it works. बट मेहनत इसमें भी लगती है अपने लेवल की क्योंकि इतनी सारी स्टोरीज को एक साथ कनेक्ट करना इज अ वर्क ऑफ आर्ट. और अगर ये सही से नहीं होता है तो उसका रिजल्ट कुछ ऐसा होता है. वेल, इस सिनेमैटिक यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करने में हमारा इंडियन सिनेमा भी पीछे नहीं रहा. और इन कुछ सालों में हमें इंडियन सिनेमा में भी बहुत सारे पोटेंशियल सिनेमैटिक यूनिवर्सेस देखने को मिले. तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपकमिंग सिनेमैटिक यूनिवर्सेस इन इंडियन सिनेमा. वीडियो शुरू करने से पहले यार एक बार लाइक बटन स्मैश जरूर कर देना और अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन. नंबर वन, रोहित शेट्टी कॉप यूनिवर्स. अब इस यूनिवर्स को पहले मेंशन करने के दो रीजंस हैं. रीजन नंबर वन, इंडिया में शेयर्ड यूनिवर्स स्टार्ट करने की पहल रोहित शेट्टी ने ही करी थी, दैट इज द कॉप यूनिवर्स. और दूसरा रीजन ये है कि इस यूनिवर्स में ऑलरेडी चार मूवीज आ चुकी हैं और चारों की चारों हिट मूवीज हैं. सो दिस इज द ओनली सिनेमैटिक यूनिवर्स इन इंडिया जो कि अपने अर्ली एस्टैब्लिशमेंट स्टेज से एक कदम आगे निकल चुका है. बात करें इस यूनिवर्स के फ्यूचर की तो दो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो चुके हैं इस यूनिवर्स में. पहला है सिंगम 3 जो कि अजय देवगन की फिफ्थ ऑन स्क्रीन अपीयरेंस होगी इस यूनिवर्स में और थर्ड स्टैंड अलोन मूवी. सो बेसिकली सिंगम इज द आयरन मैन ऑफ कॉप यूनिवर्स. वेल, दिस सीन मेक्स आयरन मैन लुक लाइक अ टिन रोबोट फ्रॉम पावर रेंजर्स. और दूसरा प्रोजेक्ट होगा इंडियन पुलिस फोर्स स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा और ये एक वेब सीरीज होगी जो कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी. अब यार मुझे एक्चुअली में इस प्रोजेक्ट से थोड़ी ज्यादा होप है. फर्स्टली बिकॉज ऑफ द स्टार कास्ट एंड सेकेंडली बिकॉज ऑफ द स्केल ऑफ दिस प्रोजेक्ट जो कि रोहित शेट्टी के अकॉर्डिंग इंडियन ओटीटी पे अब तक की सबसे बड़ी एक्शन सीरीज होगी और कॉप यूनिवर्स को एक नेक्स्ट लेवल पे एक्सपैंड करेगी. और हाँ, एक साइड नोट ऐड करना चाहूंगा रोहित सर के लिए. सर, इतना बड़ा एक्सपैंडेड यूनिवर्स अगर बना रहे हो तो थोड़े पैसे लगा के थोड़े एक्स्ट्रा एक्टर्स को भी हायर कर लो क्योंकि सिंगम 1 में जो गुंडा है वो सिम्बा में लॉयर है और सिम्बा में जो रेपिस्ट है वो सूर्यवंशी में कॉप है. अब इट मे नॉट बी एज डिस्टर्बिंग एज इंडियन सीरियल्स जहाँ पे हीरोइन की बेटी उसी शक्ल की होती है और फिर उसकी पोती भी सेम शक्ल की होती है. बट अगर मालिक इतना खर्चा कर दिया है तो थोड़े से एक्टर्स भी हायर कर लो यार. नंबर 2, KGF यूनिवर्स. KGF एक मूवी नहीं ब्रांड है और ये सबको पता है. द फर्स्ट पार्ट वॉज अ ग्रेट सेटअप एंड द सेकेंड वन वॉज एन अल्टीमेट कंफ्यूजन. बट इज दैट इट? नो. जैसा कि KGF चैप्टर 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में ये साफ एस्टैब्लिश हो जाता है कि KGF चैप्टर 3 भी आएगी. वेल, अगर तुम उस छपरी सबमरीन थ्योरी में यकीन रखने वाले नहीं हो तो तुमको पता है कि रॉकी डाइड एट द एंड ऑफ KGF चैप्टर 2 और KGF चैप्टर 3 विल बी काइंड ऑफ अ प्रीक्वल जहां पे हमें 1979 से 1982 के बीच में इवेंट्स दिखाए जाएंगे जो कि हमें फिल्म में स्किप करा दिए गए थे. लेकिन ये उस तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से तुम सोच रहे हो. डायरेक्टर प्रशांत नील KGF की कहानी को एक्सपैंड करना चाहते हैं और एक इंटरकनेक्टेड यूनिवर्स भी एस्टैब्लिश करना चाहते हैं. और होमवाले फिल्म्स ने जो मूवीज का लाइनअप दिया है इस यूनिवर्स के लिए उससे साफ जाहिर है कि KGF चैप्टर 3 से पहले हमें कुछ मूवीज देखने को मिलेंगी जो कि अल्टीमेटली एक साथ चैप्टर 3 से कनेक्ट होंगी, जिसमें सबसे पहली आती है सलार स्टारिंग प्रभास जो कि अगले साल सितंबर 2023 में आएगी. अब ये मेरी थ्योरी है कि चैप्टर 2 में हमें जो लड़का फरमान देखने को मिला था वही एक्चुअली में सलार बनेगा बड़ा होकर, जिसका रोल प्रभास प्ले करेंगे. और दूसरी मूवी जो इस यूनिवर्स का हिस्सा बनेगी वो है बगीरा स्टारिंग श्री मुरारी. अब इस मूवी के बारे में ज्यादा डिटेल्स अभी नहीं पता बट ये भी KGF यूनिवर्स का एक पार्ट बनेगी. नंबर 3, स्पाई यूनिवर्स. इस यूनिवर्स को बना रहा है यशराज स्टूडियो विच विल फीचर डिफरेंट स्पाइस फ्रॉम रॉ.
अब यश राज ऑलरेडी टाइगर सीरीज और वॉर जैसी स्पाई मूवीज बना चुका है, लेकिन वो दोनों मूवीज का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है और इस बात का भी कोई हिंट नहीं है कि दोनों एक ही यूनिवर्स में हैं। बट फाइनली ये स्पाई यूनिवर्स कमेंस होगा SRK स्टारर पठान से, जो कि 2023 में रिलीज होगी। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, सलमान खान का एक कैमियो हमें पठान में देखने को मिलेगा एंड वाइस वर्सा, SRK का भी एक कैमियो हमें टाइगर 3 में देखने को मिलेगा। तो ये हाई पॉसिबिलिटी है कि पठान में सलमान खान और कोई नहीं बल्कि टाइगर बन के ही आएंगे एंड द सेम वे SRK भी पठान के कैरेक्टर में ही कैमियो करेंगे इन टाइगर 3। और कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वॉर के सीक्वल में SRK और सलमान दोनों का ही कैमियो होगा और ऋतिक रोशन के साथ ये दोनों स्क्रीन शेयर करते हमें दिखेंगे। अब अगर डॉट से डॉट मिलाओ तो पता चलता है कि हमें एक जबरदस्त स्पाई यूनिवर्स देखने को मिल रहा है एंड इमेजिन एक ही स्क्रीन पे ऋतिक, शाहरुख और सलमान, द थिएटर्स विल गो बॉन्कर्स। नंबर 4, लोकी सिनेमैटिक यूनिवर्स, सॉरी ये वाला लोकी नहीं, रॉन्ग यूनिवर्स, लोकी सिनेमैटिक यूनिवर्स AKA लोकेश कनगराज सिनेमैटिक यूनिवर्स एंड दिस इज द सिनेमैटिक यूनिवर्स आई एम मोस्ट एक्साइटेड फॉर। इस सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत हुई 2019 की फिल्म कैथी के साथ। हालांकि उस टाइम पे कोई यूनिवर्स बनाने का प्लान नहीं था, बट फिर विक्रम आई विच वॉज अ सिनेमैटिक मास्टरपीस और हमें देखने को मिला कि कैथी और विक्रम एक ही यूनिवर्स में है। सो कैथी इज टेक्निकली द फर्स्ट फिल्म ऑफ लोकी यूनिवर्स, क्योंकि कैथी के प्रीमिस पे ही विक्रम बनी है और दोनों ही फिल्मों के कैरेक्टर्स दिल्ली और विक्रम को एक कॉमन एनिमी और सेटअप में एक साथ कनेक्ट करती है। बात करें अपकमिंग मूवीज की तो विक्रम 2 और कैथी 2 तो विक्रम के एंड में ही स्टैब्लिश हो गई और थलापति विजय के साथ भी एक अनटाइटल मूवी बन रही है जो कि इस यूनिवर्स का हिस्सा बनेगी। साथ ही साथ रूमर्स हैं कि अमर, जो कि विक्रम का एक पिवोटल कैरेक्टर है, उसकी भी एक स्पिन ऑफ बनेगी और साथ ही रोलेक्स की भी एक स्पिन ऑफ बनेगी जिसमें वो कैसे एक ड्रग किंगपिन बना ये दिखाया जाएगा। यार एक स्पिन ऑफ तो एजेंट टीना भी डिजर्व करती है, कम ऑन लोकेश, टेक आवर मनी। नंबर 5, अस्त्रवर्स, द लेटेस्ट एंट्री इन द सिनेमैटिक यूनिवर्सेस ऑफ इंडिया एंड एज द नेम सजेस्ट्स, ये यूनिवर्स रिवॉल्व करता है एंशियंट इंडियन अस्त्रास के अराउंड। इसकी पहली इंस्टॉलमेंट ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा हमें देखने को मिली और अब नेक्स्ट पार्ट ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव हमें देखने को मिलेगी 2025 में और उसके बाद ब्रह्मास्त्र पार्ट 3। लेकिन ये अस्त्रवर्स सिर्फ इस ट्रिलॉजी तक सीमित नहीं है, ये ट्रिलॉजी खुद अस्त्रवर्स का एक पार्ट है। हाँ, यानी कि ये यूनिवर्स और एक्सपैंड होगा और सिंस आयान मुखर्जी ने वानर अस्त्र और नंदी अस्त्र के स्पिन ऑफ में इंटरेस्ट दिखाया है तो इससे ये पॉसिबिलिटी और बढ़ जाती है। फर्स्ट पार्ट ऑब्वियसली वॉज नॉट अ परफेक्ट मूवी, फ्लॉज थे एंड आई होप आयान मुखर्जी इन शॉर्टकमिंग्स को ओवरकम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, बिकॉज बॉस पोटेंशियल तो है अस्त्रवर्स में, बस एग्जीक्यूशन जबरदस्त चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना और इस यूनिवर्स को लेकर तुम्हारी क्या थ्योरीज है मुझे ये भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। तब तक के लिए वील सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।